बता दो कि ये सुबह सुबह बारिश का मौसम इंजॉय करने के लिए मैं नहीं निकली हूँ। मैं तो अपने सिंपल वॉक के लिए निकली थी, लेकिन कल कुछ कांड कर दिया थी मैंने। कल कुछ इंडोर प्लांट्स की शॉपिंग के लिए मैं और मेरे वॉकर ग्रुप के मेंबर निकले थे और सडनली बारिश हो गई, तो नर्सरी वाले ने हमें छाता दिया और छाते से हमने घूम घूम कर शॉपिंग की। और कब छाता अनजाने में ही लेकर हम निकल पड़े, न मुझे पता चला ना नर्सरी वाले को पता चला। तो आज हमने गार्डन की वॉकिंग ड्रॉप करके फिर से सड़क पे वॉक किया है, ये छाता नर्सरी वाले को वापस करने के लिए, क्योंकि बारिश का मौसम है। मुझे लगता है अभी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है छाता, तो जिसका छाता मिसिंग है उसको और परेशान नहीं होने देते हैं। चलते हैं फटाफट से उसे छाता वापस करेंगे, फिर हम बैक टू होम। थैंक यू जी। मुझे ना अब लगता है कि मेरे साथ वॉक करना कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देती हूँ। सो गार्डन सेफ है अब से, मुझे लगता है मैं गार्डन में ही वॉक करूँगी। आ जाओ नहीं मिला, पर कौशल का पता मिल चुका है, वो यही पास में रहता है, तो हम कौशल को भी हमें बता दें और छाता उसको देखा ही जाए।
सलाम, सत श्री अकाल, राम राम, और आप सभी को रतन राजपूत का प्रणाम। तो अभी तैयारी हो रही है वॉक पर जाने की, और आज भी मैं गार्डन में वॉक ना करके सड़क पे वॉक के लिए निकलूंगी, क्योंकि हुआ यूँ कि कल की स्टोरी तो आपको पता ही है, छाता वापस करने गए थे, लेकिन अचानक से स्टोरी में ब्रेक आ गया, बहुत बड़ा वाला ब्रेक, क्योंकि मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो गया था और मैं आगे की स्टोरी शूट नहीं कर पाई। और ये मुझे सबक कई सालों से मिल रहा है, मेरा फ़ोन हमेशा मैंने देखा है कि मैं फुल्ली चार्ज करके नहीं रखती, जितना होता है काम चलाती रहती, जिसको कहते हैं ना घसीटते रहना। तो कल ऐसा चूना लगाया ना, तो मुझे लग रहा है कि अब से मैं फुल चार्ज करके ही फ़ोन रखूँगी। फ़ोन से याद आया, फ़ोन नहीं लिया है, एक मिनट। हमने वहाँ छाता के लिए कौशल को बहुत ढूंढा, कौशल नहीं था। कौशल के नहीं मिलने पे हमने छाता वहीं उसके शॉप पे रख दिया, और फिर भी मन बार बार उस ओर जा रहा है, चाह रही हूँ एक बार कंफर्मेशन मिल जाता कि उसे छाता मिला या नहीं। तो मिलते हैं और शायद आपको भी मिलवाते हैं कौशल से। इतना स्वीट बंदा है ना वो, आप मिलोगे तो समझ में आएगा कि वो ऐसे भी लोग होते हैं। वो मेरा फेवरेट नर्सरी वाला है। मैं नीचे आ गई हूँ और मैं वेट कर रही हूँ अपने फ्रेंड का, वो मे बी गार्डन में जो वॉक ग्रुप है उनके साथ थोड़ा वॉक करके आएंगे। ये जो जगह है ना, ये मुझे बहुत पसंद है। मेरे कई पिक्चर्स यहाँ पे आपको दिखेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे पहले जब शुरू शुरू में आई थी और यहाँ कोई नहीं रहता था, और हम लोग सिर्फ 7 families ही यहाँ पर थे इस बिल्डिंग में, तो मैं यहाँ पर बैठ कर अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर लिया करती थी, पढ़ाई कर लिया करती थी। ये पेड़ बहुत पुराना है। थैंक यू। मैं हर दिन इनको गार्डन से सड़क पे वॉक के लिए और कान पकड़ के सॉरी बोलती हूँ, पर सच्ची बताना ये वाला वॉक इंजॉय करते हो ना? मुंडी तो हिला दो आप। हो गई है, जब भी मैं नर्सरी तक के वॉक के लिए निकली हो ना, बारिश हुई ही हुई है, और एग्जैक्टली इसी जगह पर। तो आज मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आज हम दोनों के पास छाता है। आई होप आज कौशल मिल जाएगा, क्योंकि इस सड़क पर लंबे वॉक का कारण कौशल है, अदरवाइज हम गार्डन में वॉक करते हैं। बट कंफर्मेशन एक बार मिल जाए कि कौशल को छाता मिला या नहीं, तो मैं थोड़ा निश्चिंत हो जाऊँगी। कौशल अब भी नहीं है, क्योंकि कौशल का गेट बंद है। ये एरिका प्लांट्स जो है वो कौशल का गेट है। अगर ये यहाँ पर हट जाता है तो समझ लीजिए कि शॉप खुला है, अगर ये ऐसे क्लोज करके रखा हुआ है तो ये बंद है। तो क्या करें भाई, तो एक काम करते हैं, अभी अपना पीछे अभी पीछे हम लोग वॉक कंप्लीट करते हैं, और उसके बाद फिर कौशल को एक बार और देख लेंगे। क्या रास्ते में कौशल से मिलकर जाऊँगी, नंबर लेती हूँ और उसे बुलाती हूँ, या उससे बात कर लेती हूँ। फिर से नंबर नहीं है, ये लोग एक दूसरे का नंबर क्यों नहीं रखते? तो आज फिर से उन्होंने वही राय दिया है कि वो यहाँ इस बड़े गेट के अंदर रहता है, और हम फिर से आज बात करेंगे। क्या पता आपको ये सुंदर सा कौशल का घर दिख जाए। आपको दिखाने से ज़्यादा एक्साइटेड मैं देखने के लिए हूँ। कौशल, कौशल, कमाल का गेट है, जिसके सेंटर में ही एक बड़ा सा मोटा सा पेड़ खड़ा है गेट के पास, आपको वेलकम करने के लिए। हाँ कौशल, बाप रे, तू तो कितना लेट उठता है बाबा, हैं? सो रहा था, पता है कल भी आई नहीं मैं। मास्क पहन, पहले मास्क पहन ले, अंदर है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा नींद में है? हाँ ठीक है। अच्छा अच्छा सुन ना, दरवाजा खोल, अच्छा है ये जगह।
जन्नत में रहता है कौशल, एक बार दिखाना मेरे को, देख लो। थैंक यू, कितना अच्छा है कौशल ये जगह। वाओ, मुंबई में तो ऐसी जगह रहता है कौशल, पेड़ पौधे के बीच में। ये तो मेरा सपना है यार, मैं अपार्टमेंट्स में नहीं, मैं ऐसी जगह रहना चाहती हूँ, छोटा सा जमीन हो, छोटा सा ऐसा घर हो। सॉरी कौशल, जगा दिया तेरे को। नहीं नहीं, मेरे भी जागने हो रहा था अभी। अच्छा, थोड़ा सा शूट कर लूँ मैं? इसे कहते हैं बंदा यार, मैंने कहा था ना, इज वेरी स्वीट, बहुत ही खुले मन का, बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड वाला लड़का है ये। हाँ, मुझे ना वो दिमाग में चलने लगा है, यहाँ पे सिटिंग चेयर हो। ओहो, किचन कहाँ बनाऊँगी मैं? यहाँ वो गाना है ना, देखो मैं भी देख रहा हूँ ये एक सपना, फूलों से शहर में है अपना। होगा ये सपना भी सच होगा। तो फिलहाल हम करते हैं बाहर के प्रस्थान। अब यहाँ आ ही गए हैं तो सोच रहे हैं कौशल से एक दो प्लांट्स ले लेते हैं। कौशल, हम बाहर हैं, मेरे घर में प्लांट्स कितना भी हो, मुझे हमेशा लगता है कि एक नए प्लांट के लिए जगह है ही है। मैं आज एक ले लेती हूँ। कौन सा है? अरे ये वाला तो उस दिन दिखाई नहीं था। मेरी मॉम बहुत डर रही है, वो क्या ना कि प्लांट से फिर मच्छर आते हैं, और मम्मा को अभी लग रहा है हेल्थ का बहुत ध्यान रखना चाहिए, तो प्लांट्स ज़्यादा ना लगाऊं। सॉरी माँ, प्लांट्स के बिना नहीं रह सकते। प्लांट्स का इतना शौक है पेड़ पौधों का, लेकिन और ज़्यादा उसके बारे में जानती नहीं। पर अब मैं सोच रही हूँ मैं थोड़ा पढ़ाई करूँगी। तुलसी जी, कैसे बताया ना, तुलसी जी, जैसे दुनिया में किसी को पता ही ना हो कि ये तुलसी जी है। ढूंढना पड़ा या मैं तुरंत देख लिया था, तो समझ गया था कि हम आए थे। बहुत लॉस, तुम निकले ही नहीं, कल बहुत नींद में पड़ गया था ये। अच्छा मूवी, कौन सी मूवी देखी? साउथ इंडियन? तो साउथ से है क्या? साउथ से है। रजनीकांत का फैन है? रजनीकांत का सब फैन है। हाँ देखो, आए तो एक चीज़, हमारा एक प्लांट यहाँ रह गया। कौशल बता रहे जीजी हमारा यही रह गया था, तो चलो जीजी भी आज अपने घर जाएंगे और कुछ नए प्लांट भी। कहा था ना, ही इज वेरी गुड, वेरी गुड। आज अपना नंबर दे देना कौशल। ये बताइए, बारिश ख़त्म हो गई है, छाता वैसे ही लगा। मैं ना कभी कभी मनी प्लांट चाहिए, मनी प्लांट चाहिए जैसे अच्छे से दिमाग। अभी फूलों का तो नहीं होगा ना ज्यादा, होगा? धूप ही नहीं निकलता ज्यादा, धूप नहीं निकला वो नहीं निकलता, वो निकल के दिखा रहे निकल गया। ये ना, ये कुछ ऐसे ही है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ घर में ख़राब हो जाए, घर में ख़राब रहता है, जब रिपेयर करवाने के लिए ले जाओ तो वहाँ एकदम सही चलता है, जो कि मेरा एप्पल का लैपटॉप चलता है। हाँ, क्या हुआ कौशल, हो गया?